हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। गाजियाबाद नोएडा के स्कूलों में कोरोना संक्रमित मिलने पर मेरठ में अलर्ट, सावधान। अक्षांश और देशांतर से हो रही है प्रसिद्धि विद्यालयों की निगरानी, जरा सी लापरवाही पड़ सकती है भारी। शिक्षा मित्रों को भी राज्य अध्यापक पुरस्कार चयन प्रक्रिया में शामिल करें। हेडमास्टर से गुंडा टैक्स मांग रहा दबंग अध्यापक, दी तहरीर। बढ़ती महंगाई के दौर में कन्वर्जन कास्ट न बढ़ने से एमडीएम का संचालन मुश्किल। शिक्षकों का अंतर जनपदीय और जनपदीय तबादला जल्द शुरू होगा। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्स में निहब यूट्यूब चैनल पर। गाजियाबाद नोएडा के स्कूलों में छात्रों को कोरोना संक्रमित होने के बाद मेरठ जिले में डीएम ने बालाजी ने अलर्ट जारी कर दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय कॉलेजों और सभी स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी कर बच्चों को सर्दी खांसी बुखार आदि होने पर अनिवार्य तौर से कोरोना की जांच कराने को कहा। साथ ही अभिभावकों को ऐसे बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की सलाह दी। गाजिया नोएडा की स्थिति को देखते हुए डीएम ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, जिला विद्यालय निरीक्षक, बीएसए को 3 दिन में स्कूलों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना, स्कूल कॉलेज में सर्दी खांसी जुकाम बुखार उल्टी पेट दर्द से पीड़ित बच्चों की जाँच कराना सुनिश्चित करने को कहा। अभिभावकों से अपील की है कि ऐसे बच्चों को स्कूल न भेजा जाए। 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों का कोरोना टीकाकरण अनिवार्य तौर से कराया जाए। रजिस्ट्रार, DIOS, BSA को 3 दिन में यह प्रमाण पत्र देने को कहा गया कि स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। DM ने कहा कि हाल के दिनों में गाजियाबाद नोएडा में काफ़ी छात्र कोरोना संक्रमित मिले हैं, ऐसे में सतर्क होना जरूरी है। सावधान, अक्षांश और देशांतर से हो रही प्रसिद्धि विद्यालयों की निगरानी, जरा से लापरवाही पड़ सकती है भारी। हाथरस बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का स्तर सुधारने के लिए ऑनलाइन निगरानी भी रखी जा रही है। शायद इस बात को जानकर आपको बहुत बड़ी हैरानी होगी कि इन विद्यालयों के अक्षांश और देशांतर के माध्यम से लखनऊ में बैठकर अफसर ऑनलाइन निगरानी कर रहे हैं। जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद के 1242 विद्यालय, जिले में बेसिक शिक्षा परिषद के 1242 विद्यालयों में 1,43,455 विद्यार्थी पंजीकृत बताए जाते हैं। इस साल नए सत्र के बच्चों को मिलाकर पंजीकृत बच्चों की संख्या 1.5 लाख से अधिक पहुंच गई है। ये विद्यालय नगर क्षेत्र के अलावा 7 ब्लॉकों में स्थित है, जो कि हाथरस के अलावा सिकंदरा राव, सासनी व सादाबाद तहसील में बटे हुए हैं। इन विद्यालयों को जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम तकनीक के तहत जोड़ा गया है। इसके लिए जनपद के हर विद्यालय के अक्षांश व देशांतर निर्धारित कर फीड किए गए हैं। वेबसाइट पर जिला वाइज लॉगिन व पासवर्ड के आधार पर इनके कोड डालकर जनपद की किसी भी विद्यालय की ऑनलाइन निगरानी की जा सकती है। डाटा भी किया जाता है फीड, विद्यालय में कितने शिक्षक और बच्चे हैं, इसके अलावा क्या क्या सुविधाएं हैं, इसकी जानकारी संबंधित वेबसाइट पर फीड की जाती है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर ऑनलाइन सत्यापन किया जाता है। क्या है अक्षांश व देशांतर? किसी स्थान की स्थितियों को बताने के लिए उस स्थान का अक्षांश तथा देशांतर बताया जाता है। किसी स्थान के अक्षांश धरातल पर उस स्थान के उत्तर दक्षिण स्थिति को बताता है। किसी स्थान की 0 डिग्री कोणीय दूरी जो देशांतर के पूर्व पश्चिम में होती है उसे देशांतर कहते हैं। समय समय पर अधिकारी भी करते हैं भौतिक सत्यापन। बेसिक शिक्षा परिषद के इन विद्यालयों पर समय समय पर अधिकारी करते हैं भौतिक सत्यापन। बेसिक शिक्षा परिषद के इन विद्यालयों की हकीकत का पता करने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा परिषद के अलावा अन्य विभागों के अधिकारियों से भी समय समय पर चेकिंग कराई जाती रही है। शिक्षा मित्रों को भी राज्य पुरस्कार चयन प्रक्रिया में शामिल करें। लखनऊ उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया में शिक्षा मित्रों और संविदा कर्मियों को शामिल करें। संगठन के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि प्रदेश में करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्र 20 वर्षों से प्रसिद्ध विद्यालयों में अध्यापन कर रहे हैं, जबकि राज्य अध्यापक पुरस्कार नियमावली में शिक्षा मित्रों और संविदा कर्मियों को राज्य पुरस्कार न देने के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश सरकार की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को संवारने के संकल्प में शिक्षा मित्र अपना 100% योगदान दे रहे हैं। ऐसे में विशेष कार्य करने वाले शिक्षा मित्रों और संविदा कर्मियों को भी आवश्यक पुरस्कार की श्रेणी में लाया जाए। रानीगंज प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर से दूसरे स्कूल में तैनात दबंग अध्यापक गुंडा टैक्स मांग रहा है। हेडमास्टर का आरोप है कि अध्यापक हाथ पैर तोड़ने की धमकी देकर उसे 1,00,000 रुपये अट चुका है। अब रुपए देने से इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। शिवगढ़ विकासखंड के प्राइमरी स्कूल बबनबई में तैनात हेडमास्टर विनय कुमार विश्वकर्मा ने रानीगंज पुलिस को तहरीर देकर बताया कि निकट के स्कूल में तैनात एक दबंग अध्यापक उसे गुंडा टैक्स के नाम पर 1,00,000 रुपये मांग रहा है। इससे पहले भी वह उसे रुपये वसूल चुका है, रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी दी है। हेडमास्टर का आरोप है कि दबंग अध्यापक एमडीएम निधि के तहत मिली धनराशि देने के लिए दबाव बना रहा है। रानीगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर खंड शिक्षा अधिकारी शशांक मिश्र ने मामले की जानकारी से इनकार कर दिया। बुलंदशहर बढ़ती महंगाई के चलते हर सामान के दाम बढ़ गए। खाद, तेल, दाल, सब्जी, गैस सिलेंडर की रेफलिंग आदि पर महंगाई का असर हुआ, लेकिन बेसिक स्कूलों में चलाए जा रहे मध्यान्ह भोजन योजना की कन्वर्जन कास्ट में 2 सालों से वृद्धि नहीं हुई है। कन्वर्जन कास्ट अभी भी अप्रैल 2020 के रेट पर चल रही है। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करा पाना प्रधानाध्यापकों के लिए चुनौती बना है। जिले में 2,399 बेसिक स्कूल हैं। इसके अन्य भी स्कूल हैं जहां पर मध्याह्न भोजन योजना का संचालन होता है। इसके तहत बच्चों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है। इन स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर 4.97 रुपये प्रति छात्र,
और उच्च प्राथमिक स्तर पर 7.45 रुपये प्रति छात्र की दर से कन्वर्जन कास्ट मिल रही है। वह कन्वर्जन कास्ट वर्ष 2020 में लागू हुई थी, तब से लगभग 2 वर्ष का वक्त बीत चुका है, लेकिन कन्वर्जन कास्ट के रिजल्ट में 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई है। वर्तमान में खाद, तेल, सब्जी, हरी सब्जी, फल व दूध आदि पर महंगाई की मार पड़ी है। गैस सिलेंडर रिफिलिंग के दाम लगेंगे दोगुने हो गए हैं। ऐसे में भोजन की गुणवत्ता क्या होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वर्ष 2020 में अरहर की दाल 80 रुपये के आसपास थी, जो अब 130 रुपये से अधिक प्रति किलो हो गई है। सरसों का तेल दोगुने दाम पर मिल रहा है। 2020 में इसका रेट 100 रुपये के आसपास था, जो अब लगभग 200 रुपये के आसपास है। कन्वर्जन कास्ट का रेट नहीं बढ़ने से प्रधानाध्यापकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। विभागीय अधिकारी व प्रशासन के अधिकारी विद्यालय में निरीक्षण के समय पहले MDM की गुणवत्ता ही चेक करते हैं। गुणवत्ता खराब मिलने पर संबंधित प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई होती है। शिक्षकों ने कन्वर्जन कास्ट के दामों में बढ़ोतरी की मांग की है। प्रधानाध्यापक वेद प्रकाश गौतम का कहना है कि पहले हर वर्ष कन्वर्जन कास्ट बढ़ती रही है, लेकिन इस वर्ष दो वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। गोरखपुर प्रदेश के प्रसिद्ध शिक्षकों का जिला के बाहर एवं जिले के अंदर स्थानांतरण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने संघ को आश्वासन दे दिया है, जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह बातें गुरुवार को उत्तर प्रदेश दूरस्थ BTC शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने शिक्षक भवन पर जिला अधिकारियों को बैठक को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा मंत्री से संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मेरे नेतृत्व में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मिला था। उन्होंने कहा कि मंत्री ने संगठन को आश्वस्त करते हुए कहा कि शिक्षकों का तबादला जिला बाहर और जिला अंदर दोनों ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, यह प्रक्रिया 15 जून तक पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षक पूरे मनोभाव से बुनियादी शिक्षा को उत्थान करने में लगे हैं, लेकिन उनके मूल समस्याओं का हल अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। सरकार की हर योजनाओं का क्रियान्वयन में शिक्षक अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है, परंतु अधिकारी उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, जिसे संघ अब बर्दाश्त नहीं करेगा। बैठक में जिलाध्यक्ष विनय जायसवाल, महामंत्री सुरेश सिंह, कमलेश शुक्ल, भानु प्रताप सिंह, विमलेश, मंटू यादव, कौशल, रमेश पांडे समेत अन्य मौजूद रहे। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।